तो क्या हाल है भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों के फेवरेट गोलगप्पों के बारे में और स्ट्रीट फूड के बारे में, जिसके बाद लड़कियां मुझे भर भर के गालियां देने वाली हैं। तो चलो चलो। तो क्या आपने कभी ये वाले गोलगप्पे खाए? अगर नहीं खाए तो जल्दी खा लेना, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, फिर वो मजा नहीं आएगा जो गर्मियों के पसीनों में आता है। ये भगवान क्या जुल्म है, हाथों का पसीना जब पानी में डुबकी लगाता है, ओहो हो हो क्या फ्लेवर निकल के आता है। चाचा को देखो, पूरा हाथ ही पानी में डाल रखा है। नहा लो ना उससे, खत्म करो ना बात। और लड़कियां ऐसे गोलगप्पे को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं, दो की जगह चार खा जाती हैं और पानी भी पेट भर के पी जाती हैं। फिर डकार मार के कहती है, वाह भैया क्या स्वाद है। इनको देखो, पहले भैया ने पीछे से खुजाया, फिर आगे से खुजा लिया, फिर गोलगप्पे बना के खिला दिया। खाओ, मुझे तो लगता है ये इनका सीक्रेट मसाला है। गोलगप्पे की प्लेट लगाने से पहले मसाला मिला लेते हैं। लेकिन मुझे इनकी एक बात अच्छी लगी, ऊपर ऊपर से खुजाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते। भगत जी इन्हीं हाथों से सुसु करते हुए और इन्हीं हाथों से अब गोलगप्पे खिलाएंगे। भगत जी मूत के हाथ भी गोलगप्पे के पानी से धोते हैं, ऐसे ही थोड़ी आएगा फ्लेवर। मैं आपसे एक फ्लेवर के बारे में सर बताना चाह रहा हूँ। क्या अभी क्या डाल रहे हो बताओगे क्या? इसमें धनिया पुदीना है सर। धनिया पुदीना, ये है मेन मसाला। जी 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 सर। दोस्तों ये तुम्हें दस्त वाली टट्टी नहीं लग रही, मुझे तो ऐसे ही लग रहा, ताजी ताजी निकाल के लाए हैं एकदम मस्त। किसी का कोई दिक्कत आती है तो इलाज हम ही कराएंगे, मेडिकल मेरा है सर, ये उम्र को कहीं दिक्कत आ जाए। हाँ दोस्तों देखो, बाबा अपने मेडिकल कॉलेज में पानी दे रहे हैं भाई, जब भी तुम्हारे पेट में दर्द हो इनके गोलगप्पे खा ले। जिस जिस लड़की को गाली देने का मन कर रहा है ना भाई, इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहाँ सुन लूंगा। तो भाई अब बात करते हैं पराठा लवर्स। ये देखो अनिल कपूर के बड़े भाई को, 50-60 बाल तो हर पराठे में चिपक जाते होंगे। खून तो उसी में आएगा दोस्तों जब हरने वाले के साथ दो बाल निकले, ऐसे थोड़े ना मजा आएगा। और भाई इस पराठे वाले को देख के मुझे ये सीन याद आ गया, इनके एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है। तो भाई के पास टैलेंट थोड़ा कम है, नहीं तो पराठे को पैर की उंगली पे नचा देता और बड़े स्टाइल में खिला देता। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना पड़ता है, लेकिन ऐसे ही कौन गूंथता है। पैंटी पहन लेता खड़ा भी कच्चा बनियान पहन के है, और ये काम हमारी आंखों के सामने नहीं होते, इनका तो स्वाद आता है बस हमारी जीभ तक, नमकीन नमकीन तीखा तीखा। अभी अगर ढाबे पे जाओ ना तो अंदर जाके देख लेना कि आटा गूंथा जा रहा है या ऊंच नीच का पापड़ा खेला जा रहा है। मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। चोवरी आटा गुत्ते में गिर जाए और पिछवाड़े के बल जाके गिरे, क्या स्वाद आएगा भाई, जन्नत मिल जाएगी जन्नत। अरे इनका एक हाथ नहीं है, चलो ठीक है मजबूरी है, लेकिन बगल के बाल क्यों खिला रहे हो? और सबसे बड़ी बात, खा कौन रहा है ना यार, लड़का रख लो लेकिन बगल के बाल तो मत खिलाओ यार। यार दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाली देने का मन हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, हवेली पे आ जाना।